दोस्तों आज हम बात करेंगे उन गलतियों के बारे में। उन गलतियों करने से आप जितनी मर्जी मेहनत कर लो आपका वेट लॉस बिल्कुल नहीं होगा। सबसे पहली गलती, अगर आप वेट लॉस जर्नी या लाइफस्टाइल हेल्दी को ऑप्ट करना चाहते हो तो आप स्ट्रेस ना ले। अगर आप थोड़ा भी स्ट्रेस लेंगे किसी भी चीज का तो आपका वेट लूज नहीं होगा। नंबर सेकंड, लोग सोचते हैं खाना स्किप करने से वेट लॉस हो जाएगा। इससे वेट लॉस तो होगा नहीं, आपको और ज्यादा भूख लगेगी और आपका मेटाबॉलिज्म रेट और कम हो जाएगा। तो अपने मील्स को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, स्मॉल मील्स रखिए बट मील स्किप बिल्कुल मत करिए। कुछ लोग सोचते हैं अगर हम कार्ब्स नहीं खाएंगे, रोटी चावल नहीं खाएंगे तो हमारा वेट लॉस हो जाएगा। तो पता है अगर आप गुड कार्ब्स खाओगे तो वो आपके पेट को ज्यादा देर तक भरा रखेंगे। मिनिमम वंस इन अ डे कार्ब्स जरूर लें, इससे आपको वेट लूज करने में हेल्प मिलेगी। कुछ लोग मानते हैं कि प्रोटीन सिर्फ उन्हीं को खाने की जरूरत है जो लोग जिम जा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप वेट लूज का प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं तो आपको घर में भी प्रोटीन की जरूरत है। तो अपने प्रोटीन इनटेक को पूरा करने के लिए आप प्रोटीन से युक्त खाना खाएं। आप प्रोटीन वाला खाना नहीं खाएंगे तो मान लीजिए आपका वेट लूज नहीं होगा। अगर आप अपना हेल्दी वेट लॉस चाहते हैं तो आप डाइट के साथ साथ थोड़ा सा एटलीस्ट वर्कआउट जरूर करें। अगर आपके पास ज्यादा टाइम है तो कम से कम मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक या नाइट वॉक करें, पर थोड़ा सा वर्कआउट करना बहुत जरूरी है। वर्कआउट आपकी वेट लॉस जर्नी में सोने पे सुहागे का काम करेगा, सो डोंट स्किप योर वर्कआउट्स। कुछ लोग फाइबर युक्त खाने के नाम पे हाई फाइबर फ्रोजन फूड का इस्तेमाल करते हैं, तो प्लीज आप फ्रोजन फूड का इस्तेमाल ना करें। लास्ट चीज, अगर आप सुबह देर से खाते हैं और रात को देर से खाते हैं तो आपका वेट कभी भी कम नहीं होगा, इसलिए उठने के 2 घंटे बाद और सोने से 2 घंटे पहले खाना खा लें। और चीज, अगर आपका वाटर इनटेक ठीक नहीं है, अगर आप दिन में 1 ग्लास भी पानी नहीं पी रहे हैं तो आपका वेट लॉस नहीं होगा। तो अपना वाटर इनटेक अच्छा रखें, कम से कम 2 लीटर पानी दिन में जरूर पिएं। तो चलो मॉर्निंग ड्रिंक पीते हैं। आज मैंने मॉर्निंग टी में अपने लिए बनाई है तुलसी और इलायची की टी। आप साबुत इलायची का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस इन दोनों चीज़ों को डाल के गर्म पानी में इसको उबाला आने दें अच्छे से, और बस ये रेडी हो चुकी है। अब इसे छान के आप अपने फेवरेट ग्लासवेयर में ट्रांसफ़र करें। बींग अ मदर बहुत मुश्किल हो जाता है अपने लिए वक्त निकालना। डाइट के साथ साथ आपको सेल्फ केयर पे भी ध्यान रखना है। दोनों बच्चे जा चुके हैं स्कूल, मैं साथ साथ कर रही हूँ नेटफ्लिक्स एंजॉय। मैंने ले लिया 1 बकेट गर्म पानी, उसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा गुलाब जल, और मेरे पास है बायोटिक का बबल बाथ फॉर्मिंग। थोड़ा सा बायोटिक का बबल बाथ डालना है, थोड़ा सा गुलाब जल, और उसे अच्छे से मिक्स करके अपने पैरों को आराम से उस गर्म पानी में डालिए और इंजॉय करिए उस टाइम को, उस अपने क्वालिटी टाइम को। मैं हफ्ते में एक बार अपनी सेल्फ केयर रूटीन जरूर करती हूँ। वीकडे में जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो मैं इंजॉय कर रही हूँ अपनी सेल्फ केयर रूटीन के साथ अपना हॉट कप ऑफ मॉर्निंग ड्रिंक। सो आप भी इंजॉय कीजिए और आप मुझे बताइए आप कैसे अपना क्वालिटी टाइम इंजॉय करते हैं। मैं करती हूँ मॉर्निंग टाइम, करती हूँ अपनी मॉर्निंग टी, सेल्फ केयर और साथ में नेटफ्लिक्स के साथ। वो भी दिन अपनी सेल्फ केयर के लिए चूज करती हूँ, उसे 1 रात पहले मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं ओट्स को रात को ही सोक करती हूँ। तो मैंने इसके लिए ओट्स, चिया सीड्स, थोड़ा सा कोकोआ पाउडर, उसमें थोड़ा सा हनी डाल के मैंने उसको रात को ही सोक करने के लिए रख दिया था। और इसमें मैंने कोकोनट मिल्क का इस्तेमाल किया। बस आप इसको डाल के थोड़ा दूध डाल के फ्रिज में रात को रख दें और नेक्स्ट मॉर्निंग आपको मिलेगी इस तरह की कंसिस्टेंसी। अब इसको चलो रेडी करते हैं ब्रेकफास्ट खाने के लिए। इन ओवरनाइट ओट्स में मैंने ऐड किया है चॉप बनानाज। आप अपनी चॉइस का कोई भी फ्रूट इसमें ऐड कर सकते हैं। मुझे पर्सनली चॉकलेट के साथ बनाना का कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और ये आपको इंस्टेंट एनर्जी भी देता है। टॉपिंग में मैंने बनाना के साथ ऐड किया थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, मैंने लिया है थोड़ी सी किशमिश, थोड़े से खजूर, अखरोट और बादाम। बस इन्हें भी अब चॉप करके इसमें ऊपर से टॉप कर दें, अच्छे से गार्निश कर दें। ये इस ओट्स रेसिपी में क्रंच का काम करेगा जो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा, साथ साथ इसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब मैंने इसमें सीड्स को रिमूव करके ऐड किया है खजूर को। मैंने इसमें ऐड किया है 2 खजूर, आप 2 से ज़्यादा खजूरों का इस्तेमाल ना करें। इसे मैंने रात को सोक करते वक्त थोड़ा सा शहद इसमें ऐड किया था, आप ऊपर से थोड़ा सा शहद और ड्रिजल कर सकते हैं। इट्स अप टू यू, आपकी स्वीटनेस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना मीठा खाना है। बस ऊपर से 1 चम्मच पीनट बटर का रखिए अनस्वीटेंड और आप इसे इंजॉय कर सकते हैं ब्यूटीफुल सी डिश को। वैसे भी बारिश का मौसम है, बारिश के मौसम में इससे अच्छा ब्रेकफास्ट हो ही नहीं सकता। तो चलो इसे फिनिश करते हैं और मिलती हूँ लंच के टाइम। लंच के लिए आज मैंने लिया ब्राउन राइस और मैं इसको बस धो के अच्छे से सोक करके रखने वाली हूँ। किसी भी ग्रेन को अगर आप सोक करके पकाएंगे तो वो आप जल्दी डाइजेस्ट होगा और वो आपको न्यूट्रिशियस वैल्यू भी ज़्यादा देगा। मैं अपने लिए ब्राउन राइस और अपनी फैमिली के लिए बना रही हूँ वाइट राइस। ब्राउन राइस इज़ अ गुड सोर्स ऑफ कार्ब्स, तो मैं हफ्ते में 2 या 3 बार कार्ब्स ले लेती हूँ। बस अब मैं ये बना रही हूँ ब्राउन राइस, और मैंने दोनों तरह के चावल चूल्हे पे चढ़ा दिए हैं पकने के लिए। सब मैं तैयार कर रही हूँ सब्जी। आज मैं अपनी फैमिली के लिए बना रही हूँ राजमा।
जैसा रेगुलर तड़का राजमा में लगता है आप उसी तरह का तड़का लगाएं। मैं प्याज की प्योरी करके, टमाटर की प्योरी करके इसे पकाती हूँ, जो मेरा फेवरेट है। राजमा में थोड़ी मेहनत लगती है, बट मेरे हस्बैंड 3-4 दिन के बाद घर आ रहे हैं और उनका राजमा चावल उनका फेवरेट है, तो मैं बच्चों के लिए और अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए बना रही हूँ आज राजमा चावल। तो राजमा हो चुके हैं रेडी और मेरे ब्राउन राइस भी हो चुके हैं रेडी और घड़ी में बज चुके हैं 1:30। तो चलो फिर जल्दी से लंच की थाली तैयार करते हैं। अगर आप मेरे व्लॉग्स देखते हैं तो आपको पता है कि लंच में मैं लस्सी या दही ज़रूर लेती हूँ। मैंने साथ में लिया है लस्सी और साथ में लिए हैं चावल। एक्चुअली मुझे ब्राउन राइस बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, बट अगर आप अपनी फिटनेस जर्नी की तरफ देखेंगे और आपको लगेगा कि इन चावलों को खा के आपको नुकसान नहीं है, तो आप ये खाएंगे। साथ में मैंने लिया है खूब सारी राजमा। प्रेफर करूंगी कि अगर आपको राजमा या चावल या ब्राउन राइस ही खाना है तो आप इसको डे टाइम में खाएं, लंच में खाएं, आप डिनर टाइम मत खाएं, क्योंकि एक अनाज को डाइजेस्ट होने में 12 घंटे लगते हैं, तो प्लीज़ आप इसको लंच में ही खाएं। साथ में मैंने लिया है फाइबर का सोर्स सैलेड। आप सैलेड हमेशा अपने लंच में, अपने मील्स में इंक्लूड करें, और ये एक ग्लास छाछ का। तो मेरी लंच की थाली हो चुकी है तैयार, मैं जल्दी से फिनिश करती हूँ ये यम्मी सा लंच और आपको मिलती हूँ इवनिंग ड्रिंक के टाइम। हस्बैंड गुजरात से आए थे तो शाम की चाय हम दोनों ने साथ ली। वो चाय तो नहीं पीते तो उन्होंने लिया रूह अफ़ज़ा वाला दूध और मैंने ली ग्रीन टी, और साथ में मैंने ली जो वो मेरे लिए आई थी गुजरात से, ये छोटे मोटे स्नैक्स। मैंने इसमें से ली बाखरवाड़ी, ये फ्राइड है, बट मैंने थोड़ी सी बाखरवाड़ी ली इस ग्रीन टी के साथ। शाम के बज चुके हैं 7 और मैं बनाने वाली हूँ अपना डिनर। आज मैं अपना डिनर बहुत लाइट और सिंपल रखने वाली हूँ। मैंने बस थोड़े से पीनट को हल्के से ऑयल में राई के साथ सौते कर लिया, साथ में डाले हैं अनियंस, उसे भी मैंने मूंगफली के साथ ही अच्छे से सौते कर लिया है। अपने अनुसार नमक, मिर्च, हल्दी, जो भी आप मसाले प्रेफर करते हैं आप वो डालने पर रात को थोड़ा लाइट खाएं। बस ये मसाला पकने के बाद मैंने इसमें ऐड किया सोक्ड पोहा। सॉरी मैं बताना भूल गई, मैं बनाने वाली थी रात के लिए पोहा। वेजिटेबल पोहा खाओ चाहे मूंगफली वाला पोहा। बस ये पोहा बन के 2 मिनट में रेडी हो जाता है और मैंने इसको प्लेट में निकाल लिया है और मैं फिनिश करने वाली हूँ अपना पोहा। पोहा मेरा वन ऑफ द फेवरेट मील है, चाहे आप इसे किसी भी टाइम खाओ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इनफैक्ट बहुत जल्दी बन जाता है और हेल्दी भी है। डिनर हो चुका है और अब मैं कर रही हूँ अपनी नाइट वॉक। रात को खाना खाने के बाद आप थोड़ी सी वॉक करोगे वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। घड़ी में बजे हैं 10:15, घर से निकल पड़ी हूँ अपनी नाइट वॉक के लिए। हस्बैंड के ऑफिस से घर आने के बाद बच्चे उनके पास रह लेते हैं और मैं आती हूँ अपनी नाइट वॉक के लिए। तो आप भी अपने बिजी शेड्यूल में से अपने लिए टाइम जरूर निकालें। ऑलमोस्ट 11 बज चुके हैं और हो चुका है मेरी नाइट ड्रिंक का टाइम। आज मैं कुछ ज्यादा नहीं बना रही क्योंकि बहुत लेट हो चुका है। मैं पी रही हूँ गर्म पानी। आप कितना मर्जी थक जाएं, गर्म पानी तो जरूर पीजिए, चाहे बहुत ज्यादा तामझाम मत कीजिए, पर नाइट ड्रिंक के नाम पे गर्म पानी तो आपको पीना पड़ेगा जो आपकी वेट लॉस जर्नी को सक्सेसफुल करेगा। तो मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ, नई उम्मीद के साथ। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच, सी यू गाइज़।